नॉलेज के छोटे छोटे डोज के लिए अभी सब्सक्राइब करें रीडर बुक्स क्लब क्लिप्स को। बच्चों को आप बोलेंगे ना कि मार्वल के सुपर हीरोज बताओ, खट 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 बता दें। फिर आप बोलेंगे डीसी के बताओ, वो बता देंगे। आप अगर गलती से बोल देंगे ना अरे मार्वल में सुपरमैन है ना, तो बोले क्या मार्वल भी नहीं है डीसी में, उनको सब पता है। उनको वो विलन्स पता है जो आ चुके हैं, और वो विलन्स भी पता है जो नहीं आए, जो आने वाले हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे कि सात चिरंजीवी कौन है, तो ब्लैंक हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत जानते होंगे वो थोड़ा बहुत नाम बना, हनुमान बोल देंगे, अश्वत्थामा बोल देंगे, परशुराम बोल देंगे, खत्म हो जाएंगे। ज्यादातर लोग सारे नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि ना हम इन नामों को याद कराने की कोशिश करवाते होते हैं। उनको बोलेंगे, एक मैं कहीं गया था, मैंने बोला कि बताइए दशावतार के नाम क्या क्या हैं, तो एक बंदा बड़े कॉन्फिडेंटली हाथ उठाया, बोला आप बताइए, तो बोलता है रावण। उसको दशावतार और दशानंद का फर्क नहीं पता था। तो मैं बोला भाई मैं दशावतार पूछ रहा हूँ। तो बोले हाँ सर, वो कुछ तो अवतार होते हैं। बोले देखिए वो दशावतार में सात तो वो सप्तऋषि हैं, बाकी तीन नहीं पता। मैं बोला तू भाग जाए। तो मैंने कोशिश की कि कुछ कहानियां गढ़ के वो इन चीज़ों को इस तरीके से पेश किया जाए कि हमारी जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन को उस भाषा में कहानियां समझ में आए, जिस और उस भाषा में ये सब याद हो जाए, जिस भाषा को लोग इंजॉय कर रहे हैं। चार युग क्या होता है, आप अभी के अपने किसी जेंजी से पूछेंगे ना कि टाइम कैसा होता है, तो उनको इन्फिनिटी या एंड गेम वाला वो सीन याद आएगा जहाँ वो एक टकलू लड़की है, बड़ी सुंदर है वो, एक्चुअली वो ऐसे करती है और लाइन खींच देती है, है ना। लेकिन हमारे कल्चर में टाइम लीनियर है ही नहीं। हमारे कल्चर में टाइम साइक्लिक है। इसीलिए महाभारत शुरू होता था ना तो एक चक्र घूमता रहता था और आवाज आती थी मैं समय, क्योंकि समय गोल है। इसीलिए हम काल चक्र और समय चक्र बोलते हैं, क्योंकि हम वो गोल है, और वो गोल ही होगा असल में भी, क्योंकि समय निर्धारित करने के जितने जितनी चीजें हैं ना वो सब गोल है। सूरज गोल है, चांद गोल है, पृथ्वी गोल है, और ये सब एक दूसरे के आसपास गोल गोल ही घूम रहा है। तो समय लीनियर मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। तो खैर थोड़ा फिर इधर उधर भाग गया मैं, वापस आया। तो सात चिरंजीवी क्या है, दशावतार कौन है, युग क्या होते हैं, ये सब आप उनको मगअप करने बोलेंगे तो उनसे नहीं होगा और उनका इंटरेस्ट जाता जाएगा। तो मैंने उन चीजों को जोड़ के इस पूरे दुनिया में एक बच्चे के लिए कहानी बनाई थी, जो अब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। विडंबना यह है कि जिस बच्चे के लिए लिखा हुआ था उसको अभी तक सुना नहीं पाया, पर ठीक है, समय समय की बात है। वी जस्ट विश कि वो जल्दी पूरा हो। नहीं, हमने बात की ना, समय चक्र है, गए हैं तो आएंगे आएंगे आएंगे, बिल्कुल सही। तो इसमें वो लोगों को पसंद आ गया, थोड़ा सा धोनी इंटरटेनमेंट का साथ मिल गया, थोड़ा सा पेंगुइन का साथ मिल गया, थोड़ा सा रीडर्स का साथ मिल गया, थोड़ा सा आप जैसों का साथ मिल गया, चल पड़ी गाड़ी। बहुत बढ़िया। अब ये मतलब आई थिंक शायद यही कारण है कि लोग इसको पसंद भी बहुत कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर राइटिंग। और क्योंकि आज के टाइम में ना हर कोई कहानी के जरिए चीज़ों को समझना चाहता है। जी जी जी। और जैसे मैंने आपको बाहर बोला था कि मैं आपका फ़ैन क्यों, क्योंकि आपको आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है जो मुझे नहीं पता। तो वो जो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें ना स्कूल में पढ़ाई गई ना समझाई गई, और खुद कभी सोचा नहीं। इंटरेस्ट जैसा होता ना, मतलब आपका इंटरेस्ट, जिनको लोगों को इंटरेस्ट है वो तो ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना पढ़ाई में लिखाई में, हम जैसे जो थे, तो उन्होंने तो था कि जितना कम सीखे उतना अच्छा है। थोड़ा बहुत जो सीखा रामायण से सीखा, रामायण महाभारत देखा, उतना ही सीखा, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं सीख पाए। तो आई एम श्योर ये इट इज़ इट विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ लेसन्स फॉर पीपल, जो नई जनरेशन हमारी आ रही है। जी जी, है ना, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक कहानी के तौर पर सीखने को मिलेगा, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। अब मैं बात करता हूँ आपकी नई किताब के बारे में, द नागा वॉरियर्स। जी ठीक है, इसके बारे में आप बताइए कि इसमें क्या है। जैसे ग्रीक्स में जो सबसे बढ़िया सोल्जर्स होते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स होते हैं, उनको स्पार्टन्स कहा जाता है। पता है ना, जापान के जो सबसे खतरनाक वॉरियर्स होते हैं उनको समुराई कहा जाता है। लेकिन अगर आप अचानक से अभी, क्योंकि हम नागा वॉरियर्स की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन अगर आप अचानक से पूछ लेंगे कि ये इसके स्पार्टन्स होते हैं, उनके समुराइज होते हैं, तो तुम्हारे कौन से, नहीं पता, तो आपको नहीं पता रहेगा। बिल्कुल। तो हमारे जो बेस्ट वॉरियर्स होते हैं वो होते हैं नागा, और दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्मा। आदि गुरु शंकराचार्य ने उनका क्रिएशन इसलिए किया था क्योंकि 7th-8th century में उनको ये समझ में आ गया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं होगा,
आपको शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी, और उस समय जितने भी राज्य थे, राजा थे, वो शस्त्र उठाने को तैयार थे, लेकिन या तो जमीन के लिए, या तो खजाने के लिए, या अपना राज्य बचाने के लिए, या दूसरे का राज्य कब्जाने के लिए, लेकिन धर्म के लिए लड़ने को कोई तैयार नहीं था। तब इनका क्रिएशन किया गया था। और मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी कि अगर आप अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर्स को और पायलट्स को देख के डरते नहीं है, जब बल्कि आपके अंदर उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है, तो अगली बार जब आप किसी नागा साधु को देखें तो आप उनसे डरिए मत, आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपकी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, या आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो इन पे चार। और अगर आप अपने धर्म के लिए खड़े होने को तैयार हैं, आप किसी भी धर्म के हो, अगर आप अपने धर्म के खिलाफ कुछ सुन के 10 लोग भी बोल रहे हो और आप खड़े होकर बोले बॉस आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, दिस इज आई विल नॉट टॉलरेट इट, मेरे से भी झगड़ा कर रहे हो मेरे से करो, लेकिन मेरे ग्रंथों के, मेरे भगवानों के बारे में कुछ मत बोलो, अगर आप इतना करने को तैयार हैं तो आपके डीएनए में भी एक नागा वॉरियर बैठा है, और उनमें भी आप हैं, और हम सब लोगों के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो कैमरे के सामने होता है और एक चेहरा जो ऑफ द कैमरा होता है। इन जनरल सबके लाइफ में दो चेहरे होते हैं, वो दो चेहरे ऐसे होते हैं कि आप मुझसे जैसे मिलेंगे मैं आपसे वैसे मिलूंगा। आप हर किसी से प्यार से नहीं मिलते, आप हर किसी को गले लगा के भी नहीं मिलते, आप हर किसी से हाथ मिला के भी नहीं मिलते, आप हर किसी का पाँव भी नहीं छूते, आप हर किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते, बिल्कुल। तो आप हर किसी के साथ एक नहीं होते। तो ये आम तौर पे आपके हाथ में नहीं होता है कि आप किसके साथ कैसे पेश आएंगे, वो सामने वाले के हाथ में होता है कि आप उसके साथ कैसे पेश आएंगे। बिल्कुल, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है कि मैं आपके साथ कैसे पेश आऊँ। जी बिल्कुल। तो ये दो चेहरे जो हैं वो मैं चुनूंगा कि आपका कौन सा चेहरा मैं देखूंगा। तो उस पर अभी इस किताब को लिखते समय चंद लाइनें बनी। जब हमने द हिडन हिंदू लिखा था तो हम प्रणाम में हिंदू एक कविता थी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, इस पर भी एक कविता अभी हमने लिखी है और उसकी चंद लाइनें हैं, उसमें आपको क्या होता है नागा साधु का पूरा जवाब मिल जाएगा। तो मैं जो पढ़ने वाला हूँ उसमें हर लाइन में जो दो शब्द है ना वो ज्यादातर एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। क्योंकि वो दोनों चेहरे हमारे पास हैं कि तू शांति है तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है तू बुद्ध है, तू शांति है तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है तू बुद्ध है, तू नमन है तू प्रहार है, तू जीवन है तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है तू असुरों का भक्षक है, तू भक्त है तू धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है तू पाप है, तू वरदान है तू श्राप है, तू शोर है तू मौन है, उनको चुनना है तू कौन है। तो ये होते हैं नागा साधु, कि आप इज्जत दे के मिलेंगे तो वो आपको आशीर्वाद दे देंगे, और गुस्सा दिखा के तो देखिए उनको, फिर वो बताएंगे वो कौन है।